सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम कद्दू के फूल की पकौड़ी बनाएंगे। तो चलिए साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। सो गाइस, पहले मैंने फ्रेश फ्रेश पम्पकिन के फूल लिए हैं, तो इसे पहले मैंने वॉश किया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसे तोड़ा है, इसके जो पीछे का पार्ट था उसे मैंने तोड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार तोड़ के, आप लोग देख सकते हो। तो इसे बहुत आराम से तोड़ना है जिससे कि हमारा फूल ख़राब ना हो, और हमें अच्छे से इसे तोड़ के निकाल लेना है। इसी तरह मैंने सारे फूलों में किया है। सो गाइज, मैं आपको खोल के भी अपने फ्लावर को दिखा देती हूँ कितना अच्छा अंदर से एकदम फ्रेश है। ये आज ही टूटा है। उसके बाद मैं इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ बेसन का। सो गाइज, पहले मैंने एक कप बेसन लिया है, उसमें आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ मिर्चा और दो चम्मच चावल का आटा और कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च डाला है। और इसे मैंने नमक इसमें डाला है, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। सो गाइज, उसके बाद मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, उसके बाद मैंने इसमें हींग डाला है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सो गाइज, फ्लेवर के लिए मैंने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। सो गाइज, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, इससे हम अपना बैटर तैयार करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसे हमें गाढ़ा ही बैटर बनाना है। मैं आप लोग को कंसिस्टेंसी भी दिखा दूंगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। एक साथ कर देंगे तो हमें कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला, और हमें विस्कर की हेल्प से विस्क करते रहना जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। सो गाइज, आप लोग मेरी पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितना अच्छा ये बना है। आपको भी इसी कंसिस्टेंसी में रखना है अपना पेस्ट। उसके बाद मैंने पकौड़ी जो हमने फ्लावर तैयार किया था पम्पकिन का, वो लिया है और इसे लपेट दिया इसी पेस्ट में। सो गाइज, सेम प्रोसेस करके मैंने वही फूल को डिप किया, उसके बाद तेल में लिया डाल दिया है। आपको जो तेल है वो सरसों का लेना है, इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सरसों के तेल से। और इसी तरह मैंने अपनी सारी पकौड़ियाँ छान ली है। जब तक मेरी पकौड़ी ब्राउन हो रही है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरी पकौड़ी कितनी क्रिस्पी लग रही है, और ये कितनी अच्छे से ब्राउन भी हुई है। आपको भी इसी तरह करना है जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। सो गाइज, मेरी सारी पकौड़ी बनके रेडी हो गई है, और ये बहुत रेयर केस में मिलता है। अब तो मतलब ज़्यादा लोग पम्पकिन का पेड़ लगाते ही नहीं है, तो फ्लावर हमें नहीं मिलता है। तो कभी मिल गया तो आज मैंने वीडियो बना दिया। ये काफ़ी टेस्टी था खाने में भी, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर आप लोग देख सकते हो ये कितना टेस्ट लगा, और मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है बिल्कुल देसी स्टाइल में। आप भी ट्राई करके बताना कि आपको ये रेसिपी की कैसी लगी। सो गाइज, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी हुआ, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। मेरे घर पे भी काफ़ी पसंद है, और बहुत दिनों बाद मैं खुद ही खाई, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ग्रीन चटनी के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।